ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ 'ਚ ਬੈਠੋ ਭਾਬੀ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੈਸਮੀਨ ਦੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ विक्की मेनू छुप छुप के क्यों वेख रहा है किते मेरा पीछा तो नहीं कर रहा भाभी तुसी कुछ कह रहे सी दसो ना किथे जाना मैं पहले गड्डी च पै जा बैठ के दस दी चलो नैन सहदेव की गड्डी चे बह के जा किथे रही है जे ओ फुल हजे भी नैन दे हच्चे होए फिर मैनू लगता है जरूर ओनू साडे प्लान ते शक हो गया पता नहीं की चलता रहता है दिमाग च ऐसा की सी उन्हें फ्लास च भाभी हुण तां दस दो किथे जाना सहदेव जी मैनू ना शमशेर जी दे नाल कोई जरूरी काम है मैनू उन्हां दे घर ले चलो प्लीज भाभी सब ठीक तां है ना हां जी सब ठीक है हुण तू भी इस घर तो जाने की तैयारी कर ले जैसमिन क्योंकि मैं बहुत छेती सारे दे सामने तेरे चेहरे तो एक झूठा नकाब ला के रवांगी ए नयन फुल घरों बार सुटन गई है या शहरों बार अजे तक आई क्यों नहीं किट्टी ए नयन किथे अजे तक पूजा च क्यों नहीं आई मैनू तो पता नहीं वीर जी वो किथे आ ਟਿਊਬ ਪੂਲ ਸੁੱਟਣ ਬਾਹਰ ਗਈ ਸੀਗੀ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿੱਟੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਝੋਲਾ ਝੋਲਾ ਹਾਂਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜੈਸਮੀਨ मेरी थोड़े अगे बस यही गुजारिश है कि अज की पूजा दे विच सब तो पहला कृष्ण जी नूं झूला पीसी चुलान रुक जा जैसे याद नहीं नयन ने की कहा सी कि अज बाल गोपाल नूं सब तो पहले बीजी चूला दे ऐ हक बीजी दा तेरा नहीं ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ
आखा जो खुशी है ना वो सिर्फ ते सिर्फ नयन कर कर अज नयन ने ही सानू ए दिन दिखाया किन्ना वड्डा दिल है नयन दा हमेशा दूजिया दा ही ख्याल रखदी है हुण भी देख लो सानू सारिया नू इन्नी वड्डी खुशी दे के आप ए खुशी देखण लई इत्थे प्रेजेंट ही नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड तुसी इत्थे आराम ना बैठो मैं हुणे नयन नू देख के आना देवांश दिवांश अजय ना जाओ कम से कम पूजा तो पूरी हो लेंदे हो जैस्मिन अपनी हाथ च रह ना ही तू इदा मेरा हाथ फड़ सकती है ते ना ही मैनू इदा जान तो रोक सकती कोई मैनू बिना परमिशन दे टच करे यह गल मैनू बिल्कुल नहीं पसंद प्लीज कीप दैट इन माइंड ताकि दोबारा गलती कदे ना हुए दिवांश अपनी होने वाली वाइफ नाल कोई इस तरह गल करता है वो कोई बार वाली नहीं है तेरा उदे नाल व्याह होने वाला है वो की है पांजे यार हुन नक ना कटा दी जे तेरा इदां दा बिहेवियर है ना तो जैस्मिन की सोचेगी तेरे बारे च कि उदा होने वाला हसबेंड इन्ना अनरोमेंटिक है हो इन्ने सोने हाथ हो ना चुम लेने चाहिए ने मामा जी मेरे लिए ब्यूटी दी डेफिनेशन ना थोड़ी अलग है दिवांश पुत्र आज त्योहार का दिन है इस बहस का कोई फायदा नहीं है चल छट वेखो जी अज जन्माष्टमी का पर्व है ते तुहानू ना शांति नाल काम लेना चाहिए ते हुण आज दी पूजा संपन्न हुई ते हुण सबनू प्रसाद मिलेगा पर उस तो पहला कान्हा जी नू मत्था टेको इस दिवांश ने कुछ ज्यादा ही हदपार कर दीती है एक कहना की चाहता है कि मैं ब्यूटीफुल नहीं है ते उन नयन बड़ा ओहो व्हाई आर यू कंपेयरिंग योरसेल्फ विद दैट सर्वेंट मैन दिवांश दी तो चॉइस ही चीप है नाले हुण ये खेड थोड़े दिन दा ही रह गया राजे जरा गल सुनना हाँ शगुन की गल प्राजी तुसी दिवांश की गल नहीं सुनी ओनू बिल्कुल भी पसंद नहीं कि जैस्मिन ओनू हाथ भी लाए कि तुसी इहदे पिछे का कारण नहीं जानना चाहोगे शगुन तू की कहने की कोशिश कर रही है प्राची मैं ए कहना चाह रही हूं कि जदों तुसी बाहर गए सी ना उस तो बाद नयन ते दिवांश का रिश्ता होर भी मजबूत हो गया है दोने एक दूजे दे कोल आ रहे ने पता नहीं हुण नशेड़न की अग लाएगी जैस्मिन दे हाथ लाना मैनू इन्ना गुस्सा क्यों आया मैं उहदे नाल व्याह कराना भी चाहुंदा या नहीं तुहानू किसी ने दस्या नहीं नयन 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 अपना कोल मेरे मना करन दे बावजूद तेरी हिम्मत किदा होई मंदिर च जान दी मैं ही नयन नू मंदिर जाने लिए अलाउ कीता सी मम्मा नयन मेरी वाइफ है हुण भावें तुहानू ए गल चंगी लगे
या ना लगे। दिवांश नयन बहुत प्यार करता है। तुसी देखिया नहीं कि नयन देते ना होते उन्हें कितनी बेचैनी हो रही है। किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि उन्हें की चाहिए है। शगुन चाची ने डैड नू ऐसा की क्या है कि डैड मेरे वाल इतना देख रहे ने। जे एक बार दिवांश ने नयन नू सारियां दे सामने अपनी पत्नी मान लिया ना ते सानू ऐसा करन दी कोई लोड़ ही नहीं। दिवांश नयन नू लेके किते बाहर जाके सैटल हो जाएगा ते दोने जने बहुत खुश हो जाएंगे। उन्हां दी जिंदगी बहुत खुशी नाल बीतेगी। पर ऐसा पॉसिबल करवाने ले सानू दिवांश ते जैस्मिन दा व्याह होन तो रोकना पड़ेगा। नहीं ते दिवांश ते नयन हमेशा लिए वक हो जाएंगे। राजवीर जी इस नशेड़ा नू छड़ो, एक मिनट मेरी गल सुनियो। सच्ची सच्ची दसना कि तुहानू नहीं लगता कि दिवांश ने जैस्मिन दी इंसल्ट कीती है? दिवांश कि मैं तैनू एहो जे संस्कार दिते ने कि तू साडे सारिआं दे सामने अपनी होण वाली वाइफ दी इंसल्ट कीती। मैनू लगता है कि तैनू जैस्मिन तो माफी मंगनी चाहीदी है। माफी? सीरियसली किस गल दी माफी? जैस्मीन नू ओदियां लिमिट्स दस के मैं कुछ भी गलत नहीं किया। जे मैनू लगता ना कि मैं कोई गलती की है तो मैं माफी आप ही मांग लेनी। नाले तुसी सारे ए क्यों भूल जाते हो कि हले मेरा ते जैस्मीन दा व्याह होया नहीं है। उन्हें अपनी हद पता होनी चाहिए। नाले जब तक साडा व्याह नहीं हो जाता जैस्मीन का मेरे ते कोई हक नहीं। यही तो पता लगाना है कि आखिर ये फुल थोड़े लिए किवें खतरनाक बन सकते हैं। दिवांश जी हुण इस पहेली का हल शमशेर जी ही कढ़नगे। नैन भाभी तुहानू अचानक शमशेर जी ना की काम पै गया? मैनू नहीं लगता कि अजे सहदेव जी नू कुछ भी दसना ठीक होएगा। सहदेव जी मैनू ना शमशेर जी को एक जरूरी मसले ते सलाह लेनी सी। बस इसलिए मेरा उन्होंने मिलना जरूरी सी। तुसी हस क्यों रहे हो? जेड़े फुल तुसी शमशेर जी लई लैके चले हो ये फुल तां तुहानू दिवांश वीर जी नू देने चाहिए ने। हाँ पर एक्चुअली डिजर्व तां फुल ओही करदे ने क्योंकि जेड़ा दुख अपने नहीं वंडा सके ना वो बार वाले ने अपना बन के वंडाता। नैन भाभी मैनू तुहाडी बहुत टेंशन हुंदी है। तुहाडे फ्यूचर बारे सोच सोच के ना मैनू डर लग गया रहिंदा। मतलब? नैन भाभी मेरे कहने का मतलब है कि जे तुसी मेरी जान बचान लई अपनी जान दी एक बार भी परवाह नहीं कीती तां दिवांश वीर जी की जान बचान लई तां तुसी अपनी जान कुर्बान भी कर सकदे हो। नैन भाभी तुहानू डर नहीं लगता? जदों आपां किसे दी रक्षा करन दा वचन लिया होए ना तां उस वचन दे के सानू अपनी जान भी छोटी लगती है। यही हिसाब मेरा है। मेरे वादे दे अगे मेरी जान बहुत छोटी है इसलिए मैनू कोई डर नहीं लगता। भाभी
तुसी हमेशा दुखियां दी रक्षा करते हो, पर तुहाडी रक्षा, तुहाडी रक्षा कौन करेगा? देवांश जी, मैनू पता है जो कुछ उन्होंने मैं किया है ना, उहदे सदका जो सही समा आएगा ना, तो देवांश मालिक भी अपना पति होने का फर्ज जरूर अदा करेंगे, मैनू यकीन है। ते नाले मैनू कादी फिकर, मेरे कोल एक चट्टान वर्गा प्राविता है जो हर समय मेरे नाल है, मेरी हर मुसीबतां दे सामने मेरे अगे ताल बन के खड़ा हो जांदा है, फिर मैनू भला कादी फिकर। सहदेव जी तुसी इत्थे रुको, मैं अंदर जाके आनी हां। ठीक है बाबी। शमशेर जी। नयन, तू अचानक इत्थे, सब ठीक है ना? शमशेर जी सब ठीक है, ए गल्ला बाद विच करांगे, तुसी सब तो पहले ना फुल्लां नू चेक करो ते दसो कि ना फुल्लां च अजिहा कुछ है जिहड़ा ना फुल्लां नू घातक बनांदा है। पर होया की है वो तो दस। मैं तो अनु सब कुछ बाद दे विच दसांगी, छेती छेती ना फुल्लां नू पहला चेक करो। समझ गया, जरूर किसी ने दिवांश की जान लेने की कोशिश की है। ताही ता मैं इत्थे आई हां ताकि तुसी मैनू ए वेख के दसो कि ना फुल्लां दे विच कुछ गड़बड़ है ना। की तैनू किसी ते कोई शक है जां किसी दे खिलाफ तेरे कोल कोई सबूत है? चुप क्यों है, कुछ दस तो सही। शमशेर जी सब तो पहला फुल चेक करा, फिर मैं थोड़े अगे एक नहीं दो दो राज खोलांगी। तू दो राज? देख नैन, जो भी है तू मैनू साफ साफ दस। तू मैनू अपना प्यो मानदी है ना, तो फिर तू अपने प्यो नू दस नहीं सकती कि तैनू की तकलीफ है या फिर तैनू मेरे ते भरोसा नहीं है? शमशेर जी इहो जी कोई गल नहीं है, मैनू थोड़े ते पूरा भरोसा है। अपनी वाइफ नू हमेशा अपने नाल रख, मैं जदों भी उन्हें मिस करता मैं उदी फोटो अपनी वॉलेट च कढ़ के उदे मत्थे नू चुम लैना। मैं सोचा सी व्याह तो बाद मैं बहुत खुश रहांगी, पर मैं गलत सी, उन्होंने तो मैनू जीण ही नहीं दिता। नैन, बहुत नसीब वाला है मैं कि मैनू विक्की वर्गा जवाई मिले। तुसी थोड़ा सबर करो, जो मैं कोई सबूत मिल जाएगा ना मैं खुद ब खुद थानू सारी सच्चाई दसांगी, पर हजे मैं कुछ ना पूछो। भाभी भाभी चलिए, वो मम्मा का वार बार फोन आ रहा है। शमशेर जी फिलहाल मैं जाना पड़ेगा। सच्ची टूटी है या सिर्फ मेरा वहम है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही होया सी, कितने फेरे मेरा वहम था नहीं।